गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेणु सोरेन, टीचर ऑफ सेंट माइकल्स अकेडमी बेतिया। वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा आज की पुस्तक कस्तूरी से पाठ चार सुभागी का भाग तीन पढ़ाने जा रही। हम लोगों ने पाठ में देखा कि किस प्रकार से सुभागी अपने माता पिता की सेवा करती है और पंछी जो है वो गांव के लोग जो है उसको कितना अधिक मानते हैं, उसका मान सम्मान होता है और वो अपने माता पिता के दाह संस्कार के जितना भी खर्च आता है उसको वो पूरा करती है। और अब उसके विवाह के लिए जगह जगह से पैगाम आने शुरू हो जाते। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। अभी उसको अपने घर की बहू, सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते। गांव के जितने भी लोग थे वो यही चाहते थे कि सुभागी मेरे घर की बहू बने, मेरे घर की बहू बने। इस प्रकार से प्रत्येक घर के लोग उसको अपने घर में अपनी बहू बनाकर लाना चाहते थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे, परंतु सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया है। बस सुभागी सबको यही एक बात का जवाब देती थी कि अभी वो दिन नहीं आया है कि मैं अपने विवाह की बात को भी सोचूं। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, वो उसने अपने कर्ज की आखिरी किस्त जिस दिन चुकाई, उसी दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह बोले, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ, कहो तो ना कहूँ, परंतु वचन दो कि बुरा ना मानो। उसका सज्जन सिंह के का जो कर्ज था उसके सिर पर, उसने एक एक पैसा जिस दिन चुकता कर दिया, उस दिन सुभागी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अब सज्जन सिंह कह रहे हैं, बेटी तुमसे प्रार्थना है, कहो तो तुमसे मैं कहूँ, ना कहो तो ना कहूँ, लेकिन तुम इसका बुरा तो नहीं मानोगी। सुभागी ने बड़े ही कृतज्ञ भाव से, बड़ी ही विनम्रता से देखते हुए कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो मैं किसकी बात को मानूंगी। सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देवदार समझ रही, मैंने अपने मन की जो बात थी वो तुम्हारे सामने इसलिए कभी प्रकट नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुम मुझे अपना देनदार मानती थी और मुझे देने की बात करती थी। अब रुपए चूक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, बोलो तो कहूँ। सुभागी बोली, आपके जो आज्ञा हो वो आप कहें। सज्जन सिंह ने कहा, देखो मना मत करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें कभी मुँह ना दिखाऊंगा। क्या आज्ञा? उसने कहा, सज्जन सिंह ने कहा कि देखो बेटी, तुम इसको ना मत करना और यदि तुमने मुझे ना कर दिया तो फिर मैं कभी तुम्हें अपना मुँह नहीं दिखा पाऊँ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, किंतु तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। वैसे तो मैं अपने जात पात तुम्हारा बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन तुमने इतना अच्छा कार्य करके जितने भी बंधन थे वो सारे के सारे बंधन तुमने तोड़ दिए। मेरे लड़के की भी यही इच्छा है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? अब यह लड़की मेरे पुत्र की भी यही इच्छा है कि वो तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता है। सज्जन सिंह ने अकेले अपने मन से कहा, दादा इतना सम्मान पाकर के तो मैं पागल हो जाऊंगी। उसने कहा कि दादा आप मुझे इतना सम्मान ना दीजिए, इतना सम्मान पाकर के तो मैं पूरी की पूरी पागल हो जाऊंगी। मैं आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती। अब सज्जन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझ सा भाग्यशाली संसार में और कौन। बच्चों, ये पाठ अब समाप्त होता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की। क्वेश्चन नंबर 1, रामू अपनी बहन सुभागी के प्रति कठोर व्यवहार क्यों करता? आंसर है,
रामू अपनी बहन सुभागी के प्रति कठोर व्यवहार इसलिए रखता था क्योंकि सुभागी छोटी उम्र में ही बड़ी चतुर और खेतीबाड़ी के कार्यों में निपुण थी, इसलिए उसका भाई रामू उसके साथ कठोर व्यवहार करता था। क्वेश्चन नंबर टू, रामू को सुभागी का कौन सा कार्य बुरा लगता था? सुभागी अपने माँ बाप को कोई कार्य करने नहीं देती थी, यही रामू को अच्छा नहीं लगता था। इस बात से वो सुभागी से हमेशा चिढ़ा रहता था। क्वेश्चन नंबर थ्री, तुलसी महतो ने गांव के लोगों को एकत्र कर क्या करने का निर्णय दिया? आंसर है, तुलसी महतो ने गांव के लोगों को एकत्र कर रामू से अलग होने की बात कही। क्वेश्चन नंबर फोर, गांव वाले सुभागी की प्रशंसा किस बात के लिए करते थे? गांव वाले सुभागी की प्रशंसा इसलिए करते थे क्योंकि वह इस जन्म में देवी का रूप थी और दो दो मर्दों का कार्य वो अकेले करती थी और अपने माँ बाप की सेवा करती थी। क्वेश्चन नंबर फाइव, तुलसी महतो ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी पुत्री सुभागी की देखभाल की जिम्मेदारी किसे सौंपी? आंसर है, तुलसी महतो ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी पुत्री सुभागी की देखभाल की जिम्मेदारी सज्जन सिंह को सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तुलसी महतो का दाह संस्कार किसने किया? आंसर है, तुलसी महतो का दाह संस्कार उसकी बेटी सुभागी ने किया। क्वेश्चन नंबर सेवन, लक्ष्मी के देहांत के बाद सुभागी ने किस काम को पूरा करने की प्रतिज्ञा? लक्ष्मी के निधन के बाद सुभागी का एक ही लक्ष्य था, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाना। क्वेश्चन नंबर एट, सज्जन सिंह ने सुभागी से क्या प्रार्थना की? सज्जन सिंह ने सुभागी से कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। क्वेश्चन नंबर नाइन, बेटी तुम साक्षात भगवती का अवतार हो, ये शब्द सुभागी से किसने कहा? बेटी तुम साक्षात भगवती का अवतार हो, ये शब्द सज्जन सिंह ने सुभागी से कहा। बच्चों, अब ये पाठ